अंदर आते ही आपको जबरदस्त वाला एम्बियंस फील होता है। मैं लाइव किचन में सब कुछ बनते हैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ। बुफे लगा एक लाइन से, बुफे में 50+ जवाब देते हैं। हमने रखा है डेजर्ट में स्टोन आइसक्रीम। यहाँ पर हो रहा है एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, तो बस ये जगह जो है ना खुशियाँ बांटने के लिए। एम्बियंस अच्छा है, फोटोग्राफी भी अच्छी आ रही है। फूड वाज वेरी नाइस, इट वाज डिलीशियस। अच्छी है काफी। एंड हमने अभी तक चिकन ट्राई किया, प्रॉन्स ट्राई किया। फूड इज वेरी नाइस, मतलब अच्छा है, जो सोचे थे वैसा ही है। डेजर्ट पैराडाइज है। फूड तो यहाँ बहुत अच्छे हैं, खासकर स्टार्टर बहुत अच्छा है, एम्बियंस भी अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे तो हम लोग बराबर आते रहते हैं, मतलब हर 15 दिन में एक बार आ ही जाते हैं। 399 रुपए से आपका बुफे स्टार्ट हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दुबई के बाद आखिरकार अब पटना में भी द बीबीक्यू कंपनी आ चुकी है, यानी कि द बारबेक्यू कंपनी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि अगर स्किप कर दिया तो कुछ ना कुछ मेन पॉइंट आपके नजरों से ओझल हो जाएगा। तो भाई साहब, बेस्ट बुफे का मजा उठाने के लिए तैयार रहिए, बेस्ट बारबेक्यू का मजा उठाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि पटना में जिस चीज का इंतजार हो रहा था आखिरकार वो चीज पहुंच गई। अगर लोकेशन की मैं बात कर लूं तो ये पटना के बोरिंग रोड में है। कहाँ पे है? तो मारुति सुजुकी कार्लो के जस्ट बगल वाले बिल्डिंग में आपको 4th फ्लोर पर आना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको मिल जाता है द बीबीक्यू कंपनी, यानी कि द बारबेक्यू कंपनी, जो अब पटना में है। भाई को अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, फाइनली हम लोग यहाँ पर अंदर आ चुके हैं, और अंदर आते ही आपको एक ज़बरदस्त वाला एम्बियंस फील होता है। काफ़ी लोग हैं जो इस बारबेक्यू का मज़ा उठा रहे हैं, और पटना में आने के बाद लोग इसका इंजॉय करने के लिए कोई चांस नहीं छोड़ रहे। तो हम लोग एक एक करके इस प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे, आखिर यहाँ की क्या खासियत है, किन किन चीज़ों के लिए इसको जाना जा रहा है, यहाँ पर आने के बाद आपको क्या क्या मिलने वाला है। फिलहाल यहाँ की एम्बियंस को एक बार इंजॉय करिए। जब आप लोगों ने एम्बियंस देख लिया, लेकिन आपको एक शख्स मिलाने जा रहा हूँ जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जब आप यहाँ पर आइएगा, राहुल भाई से हाय। हेलो, हाय। और क्या है ये पूरा का पूरा द बारबेक्यू कंपनी? सर, बेसिकली हमारे यहाँ क्या है, ग्रिल कॉन्सेप्ट है। हम लोग स्टार्टर, बफे, डेजर्ट, सूप, सैलेड, लाइव काउंटर, सारी चीज़ प्रोवाइड करते हैं सर। हमारे यहाँ क्या है, तंदूरी आइटम भी है सर, चाइनीज आइटम है, इंडियन वगैरह सब चीज़ है, डेजर्ट वगैरह सब चीज़ है सर। हम लाइव ग्रिल टेबल पे प्रोवाइड करते हैं, उस पर आपका बारबेक्यू सर्व करते हैं। अच्छा, अच्छा। जैसे बारबेक्यू फिनिश मतलब होता है अपने सामने ही पूरा ग्रिल करके बारबेक्यू करके खाना। बेसिकली वेज या नॉन वेज जो भी हमारे गेस्ट होते हैं उनके लिए वेज या नॉन वेज प्रोवाइड करते हैं टेबल पे बारबेक्यू। इसके बाद में जैसे वो अपने हिसाब से पकाते हैं, 90% तो हम कुक करके लाते हैं सर, 10% वो अपने मजा तो वही ले रहे हैं। बिल्कुल। अभी राहुल भाई, आप मुझे सारा सेक्शन जो भी बहुत सारे देख रहा हूँ, इधर पैराडाइज है, डेजर्ट का लाइव किचन है, लाइव काउंटर है, एक वहाँ पे बार भी दिख रहा है बहुत। तो वो सारा कुछ मुझे घुमाइए, तो शुरू कहाँ से करो पहले? पहले तो मैं बताऊँगा सर, हम स्टार्टर बताया कि टेबल पर प्रोवाइड करते हैं, इसके बाद हमारा मेन सेक्शन हो जाता है सर, बफे। बफे देखिए सामने लगा रखे हैं हमने, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर। इधर वेजिटेरियन डिशेज सारे हैं, इसके साइड में नॉन वेज हम प्रोवाइड करते हैं सर। जैसे आपका बफे फिनिश होता है, इसके बाद में डेजर्ट है सर, हमारे बहुत सारे डेजर्ट में वैरायटी है सर, हॉट भी है और ऐसे नॉर्मल भी है सर। अच्छा। इसके बाद में लाइव काउंटर सर, जो बेसिकली हर जगह नहीं मिलता है सर। अच्छा। ये हमारे यहाँ स्पेशल है। लाइव काउंटर में सर पानी पूरी, दही पूरी, पापड़ी चाट, पालक पत्ता चाट, वेज नॉन वेज मोमोस, जो बहुत सारे लोगों का फेवरेट है। अच्छा, अच्छा राहुल भाई, एक चीज़ और है कि सभी जगह पे बारबेक्यू में तो तकरीबन बारबेक्यू ही होता है, लेकिन आपका बारबेक्यू दूसरे से डिफरेंट कैसे? इसीलिए सर हम स्पेशल लाइव काउंटर रखे हैं सर। हाँ। जो हर जगह नहीं मिलेगा आपको सर, पानी पूरी, दही पूरी, पापड़ी चाट वगैरह सर, वेज नॉन वेज पिज्ज़ा, वेज नॉन वेज मोमोस, पास्ता भी है सर हमारे पास, तवा चिकन, ये सब हमने अलग। मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पर बैठ के खा रहा हूँ और यहाँ पे लाइव किचन में सब कुछ बनते हैं, अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ। बिल्कुल 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 सर, सब कुछ एकदम सामने, बिल्कुल ओपन सर। और उसके बाद अगर मुझे थोड़ा सा चटपटा खाने का मन किया तो मैं यहाँ पे लाइव काउंटर पर आता हूँ और वहाँ पर बोलता हूँ भैया मुझे ये चाहिए।
और जो मेन सबसे बड़ी चीज़ है ना सर, जैसे कि बहुत हर किसी का अलग अलग टेस्ट होता है सर, कुछ लोगों को स्पाइसी चाहिए, किसी को कम स्पाइसी चाहिए, तो हम गेस्ट से पूछ के, अपने भगवान से पूछ के फटाफट उनके टेस्ट अकॉर्डिंग बना के हम टेबल पर सर्व कर देते हैं सर। ऐसा नहीं है कि हमने जो बना के रखा है वो, हम आपके अकॉर्डिंग सर्व करते हैं सर। कभी भी हम कहीं पे जाते हैं तो सोचते हैं कि खाने के साथ साथ पीने के लिए भी अच्छा हो। सॉफ्ट ड्रिंक तो हर जगह होता ही है, हमारे पास क्लासिक मॉकटेल भी हैं, जैसे वर्जिन मोहितो वगैरह हो गया, स्पाइसी टेंगो हो गया सर, आम पन्ना हो गया सर, कला खट्टा हो गया सर, बहुत सारे मॉकटेल्स हैं हमारे पास। क्रीमी क्रीमी भी है, जूसी भी है और फिजी भी है सर। एक चीज़ मैं और भी देख रहा हूँ कि पीछे जो लोग हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे आप लोग सपोज उनको बर्थडे वर्थडे सेलिब्रेट करना या बिल्कुल भी करना, तो उसके लिए अलग से अरेंज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, उनके लिए हम स्पेशली केक बनवाते हैं और म्यूजिक चलाते हैं, जो स्टाफ होता है वो क्लैपिंग करके उनके माने उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब बजाते हो सेलिब्रेट? यस यस। अलग से उसका कुछ तो नहीं देना होता? कोई एक्स्ट्रा चार्ज? मतलब कि अगर मैं बुफे खाने के लिए आता हूँ यहाँ पे बाबी क्यू कंपनी में आता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी ओकेजन सेलिब्रेट करूँगा उसका अलग से नहीं है, केक वेक आप लोग सब प्रोवाइड? बिल्कुल 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 सर। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है यार, काफ़ी अच्छा है यार। ये लाइव काउंटर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप सब कुछ खाओ, यहाँ पे बुफे लगा है एक लाइन से। और राहुल भाई कितने आइटम्स होते हैं बुफे में, नॉन वेज और वेज? 50 प्लस होता है सर आइटम। 50 प्लस आइटम? यस यस। मतलब बुफे में 50 प्लस आइटम आप देते हैं? टोटल आइटम मिलाकर 50 प्लस होता है सर। ओके ओके। और ये देख लो लाइव किचन है, और इसके जस्ट सामने ये बुफे लगा है, इस साइड में ज्वाला सू लग रहा है, और यहाँ पे आपको 90% कुक हो करके ये मिलता है, और ये आपके काउंटर पर चला जाता है। क्यों सर? हमने रखा है डेजर्ट में स्टोन आइसक्रीम, ये अलग अलग फ्लेवर है आप देख सकते हैं सर। मैंगो, मैंगो, ये मैंगो सिरप है? यस, मैंगो फ्लेवर में है। और ये कौन सा है? ये सर आपका ऑरेंज हो गया, पान हो गया भी, अच्छा खाने के बाद जैसे कि लोग बहुत पान लाइक करते हैं, पान तो चाहिए चाहिए चाहिए, तो हमने ये भी रखा है। यंग क्राउड के लिए सर लोग चॉकलेट लाइक करते हैं, तो चॉकलेट भी है। इनके साथ साथ सर इसमें बहुत सारे हैं, जैसे ब्राउनी है आप देख सकते हैं सर, ये ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट से, ओके, एक गुलकंद है सर, गुलकंद है, गुलाब वाला? यस सर, गुलकंद है, जो पान में डालेगा सर, टूटी फूटी पान के लिए सर। तो इसका क्या है, अलग एक फ्लेवर हो जाता है सर, और हम बनाते हैं बहुत टेस्टी। और यहाँ पे जो आपका डेजर्ट पैराडाइज है, इसमें मिठाइयाँ भी बहुत तरह की दिख रही है सर। ये वैसे भी है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग को चाहिए होता है कि नहीं मुझे हॉट में चाहिए, तो हॉट में हम सर तीन आइटम चार आइटम रखे हैं सर। एक तो आपके आप देखा बता सकते हैं हम सर, जैसे गुलाब जामुन है सर, गुलाब जामुन बुफे वाला है ना, मूंग दाल का हलवा है सर, अच्छा अच्छा, और इधर हॉट ब्राउनी है सर। क्या बात है, ब्राउनी भी है यहाँ पे? यस यस सर। और एक आइटम लाइव काउंटर में हम बनाते हैं, बेसिकली हॉट जलेबी सर। हॉट जलेबी? यस यस। चलिए ठीक है, जैसा हम बाहर खाते हैं हम लोग वैसा। कुछ तो यहाँ के बहुत अच्छे हैं, खासकर स्टार्टर है ना, और सर्विस करने का इनका जो तरीका है वो भी बेहतर है। जितने हिसाब से खाना खिला रहे हैं बजट फ्रेंडली है। तो गाइस अभी हम लोग टेस्ट करके ही बताएंगे यहाँ का टेस्ट कैसा है, प्राइस भी बताएंगे, बस वीडियो में थोड़ा सा सब्र और रखिए। लेकिन यहाँ पर आप पीछे देखेंगे तो लोग यहाँ पर बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पर आकर के एक्सप्लेन करते हैं, और जैसे जैसे शाम हो रही है ना वैसे वैसे यहाँ पर क्राउड भी बढ़ता जा रहा है। गाइस आप लोगों ने पूरा प्लेस देख लिया, कैसा एम्बियंस है यहाँ का वो भी देख लिया, किस तरह की चीज़ें यहाँ पर है मैंने आपको वो भी बता दिया। अब आ गया है बात कि यहाँ पे आने के बाद आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे खाने के लिए, इन सभी चीज़ों का मज़ा उठाने के लिए, ये इंजॉय करने के लिए आपको कितना कुछ खर्च करना पड़ेगा। यहाँ का जो मैंने पढ़ा स्लोगन वही सबसे ज़्यादा पसंद आया, टेस्ट मोर स्पेंड लेस। क्या बात, कम देना है खाना ज़्यादा है। सो जितने बारबेक्यू मैंने विजिट करा है वहाँ पर जो बुफे सिस्टम होता है उसमें सबसे बड़ी चीज़ लगती है ना कि जो वीकेंड होता है उसका कॉस्ट अलग होता है, और जो नॉर्मल डेज होते हैं उसका कॉस्ट अलग होता है, यानी कि अगर आप सैटरडे संडे चले गए गलती से तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे आपको मंडे टू सैटरडे संडे सारा कुछ एक ही रेट रहने वाला है। और क्या रहने वाला है, आपको अनलिमिटेड सिर्फ बुफे का मज़ा लेना है अगर और डेजर्ट के साथ, तो आपको 399 पे करने पड़ते हैं, जहाँ से आपको 399 रुपये से आपका बुफे स्टार्ट हो जाता है जो कि वेज का है, और आगे आपको 499 रुपये देने पड़ेंगे जो कि नॉन वेज का बुफे प्लस डेजर्ट है, यानी कि अनलिमिटेड खाओ सिर्फ 399 में। आपके टेबल पर लाइव बारबेक्यू हो तो उसके लिए आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं, जिसमें कि नॉनवेज और वेज का अलग अलग है। तो अगर आप वेज लेते हैं जिसमें कि आपका अनलिमिटेड बुफे है, लाइव बारबेक्यू है, ये सारा कुछ जो है ना वेज आपको 699 में शुरू हो जाता है, और अगर आप इसी चीज़ को नॉनवेज भी जाते हैं तो 799 आपको लगता है। तो मतलब मंडे टू संडे यानी कि पूरे के पूरे हफ्ते भर
बुफे का रेट यही रहने वाला है, बढ़ने वाला नहीं है। तो अभी हमारा लाइव काउंटर लगने जा रहा है और मैं आपको टेस्ट करता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ का टेस्ट कैसे। ये आ गया हमारा बारबेक्यू और राहुल भाई यहाँ पर खुद आ गए हमें खिलाने के लिए। यहाँ पे ये जो प्लेट आपको दिख जाएगी वाइट और रेडिश में, ये नॉनवेज के लिए और ये ग्रीन वाली वेज के लिए। मतलब कि गाइज अगर आप नॉनवेज नहीं खाते आप सिर्फ वेज खाते हैं तो आपके लिए प्लेट भी अलग से सर्व की जा रही है। इतनी बड़ी चीज़ आपको और कहीं देखने को नहीं मिलती है दोस्त, कि अगर आप नॉनवेज नहीं खा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ आराम से हो, आपके लिए अलग प्लेट है, शायद किचन में बनता भी अलग अलग हो। अच्छा, बिल्कुल वेज अलग पकाते हैं, नॉनवेज अलग। मतलब जैसे वेज का प्लेट अलग दे रहे हैं वैसे वेज पकता भी अलग है। हमारे किचन साइड में सेक्शन भी अलग अलग, वेज का अलग सेक्शन है, नॉनवेज का अलग सेक्शन है। इसको बारबेक्यू करते रहो और उसके बाद फिर आप इसको आराम से खाओ। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे प्लेट्स अलग अलग थी वैसे ही यहाँ पे जो सिक्स हैं, मतलब जिसमें आपको बारबेक्यू करके देते हैं, वो भी अलग अलग हैं। मतलब नॉनवेज के लिए अलग है और वेज के लिए अलग है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी सामने हमारे यहाँ पर लग चुका है, ये मशरूम है, ये पाइनएप्पल है, इसके बाद यहाँ पर वाटरमेलन है, उसके बाद यहाँ पर आपको पनीर मिल जाता है यहाँ पर देखने के लिए। इस साइड में आपको लगाया गया है ये चिकन है, और इसके बाद हमारे पास है फिश, और उसके बाद ये है प्रॉन। यहाँ पे राहुल भाई आते रहेंगे और आपको और चीज़ खिलाते रहेंगे। यहाँ पे अभी हमारा चल ही रहा था तब तक यहाँ पे गोलगप्पे भी आ गए। अभी मैं गोलगप्पे खा ही रहा था तब तक यहाँ पापड़ी चाट भी आ गया। धीरे धीरे चीज़ें ऐड ऑन होती जा रही है, मतलब एक ही टेबल पे गोलगप्पे, पापड़ी चाट और पता नहीं क्या लेके आ गया। ओ माई गॉड, मतलब कम नहीं हो रहा भाई। मोमोज भी आ गया अभी, ये नॉन वेज मोमोज कुछ जल रहा है भाई, धीरे धीरे इसको देखते भी रहना पड़ता है। जैसे धुआं निकले समझो कुछ जल रहा है, भाभी क्यों कर रहा हो तो पूरा ध्यान इस पर देना पड़ेगा। ये यहाँ पे वेज मोमो है, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही ले रहे हैं। अभी हम लोग का अभी स्टार्टर चल ही रहा है, तब तक यहाँ पे बुफे के लिए भाई साहब लोगों ने लाइन लगाना शुरू कर दिया, लोग बुफे में ले रहे हैं। यहाँ पे यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, मतलब खाना भी अच्छा है, और मैं दोबारा से आऊँगा अपने दोस्तों के साथ, और इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा मटर गश्ती, मैं तो फैन हूँ ही इनका। गाइस अब बारी आ गई हमारे बारबेक्यू की, सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा ये प्रॉन क्योंकि आई लव प्रॉन। ये जो चिकन लेग पीस, इसका साइज आपको दीवार बना देने वाला भाई, ये तो खाऊंगा भी, बहुत ज़्यादा गर्म है। प्रॉन एक ऐसी चीज़ है ना जो सबको पसंद है, खास करके जब वो बारबेक्यू करके मिले तो और भी ज़्यादा बेस्ट है। और अभी हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं मटन सीख के बारे में। सभी लोग यहाँ के सर्विस के बारे में ज़रूर बात कर रहे हैं, यहाँ की सर्विस बहुत ही अच्छी है। इस बार क्या लेकर के आए आप? ये मॉकटेल है, और आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो मॉकटेल्स है, ब्रेवस वगैरह जो है, उसके लिए अलग से चार्ज करने पड़ते हैं आपको। डिनर आप करने आएंगे तो ब्रेवस आपके सेपरेट है, बुफे और ग्रिल आइटम ये अलग है। तो भाई इस मॉकटेल के लिए आपको अलग से चार्ज करने पड़ेंगे। अभी तक हम लोग बारबेक्यू का मजा ले रहे थे, अब आ गया बुफे लेने का टाइम, और यहाँ पर लोग आते हैं देखते हैं कि उनको क्या खाना है। तो आप लोग हमें से ये कमेंट करते हैं कि भैया आप वेज कभी नहीं खाते भाई, आज बुफे में हम लोग वेज ही खाने वाले हैं। पहले हम लोगों ने ग्रीन प्लेट उठाई है, ग्रीन का मतलब वेज। तो हमारा जो वेज बुफे था वो यहाँ पे आ चुका है, हमने लिया है वेज बिरयानी, पनीर की सब्जी ली है, उसके बाद एक आलू गोभी की सब्जी थी वो ली है, और बाकी रोटी वो आपके टेबल पर सर्व कर देंगे। थैंक यू। तो रोटी का वेट कर रहे थे, रोटी हमारी आ गई है, अभी इसको खाते हैं, ख़त्म करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। इस खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा है यार, सो आप एक बार ज़रूर आइए और आ करके ट्राई करिए कि आखिरकार आपको ये कैसा लगा, और आ करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मुझे समझ में आया कि चलो यार, जो मैंने फील किया वो आपने फील किया कि नहीं किया। तो द बारबेक्यू कंपनी बहुत ज़बरदस्त है यार, यहाँ पर एक बार आकर के ज़रूर आप ट्राई करिए और फिर मुझे बताइए। चलिए फिर, आपका भाई साहब मिला नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।